नमस्कार, 91 न्यूज 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मुस्लिम युवकों द्वारा खुद को हिंदू बताकर इंदौर के ही समाजवादी इंदिरानगर की बस्तियों में मनचाहा प्यार, प्रेम विवाह, ग्रह क्लेश मिटाने के लिए मियां सुलेमान अजमेर वाले के पर्चे और कार्ड बांटे जा रहे थे, जिन पर मियां सुलेमान का मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। इधर जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस मामले की जानकारी लगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवकों को पकड़ लिया। इसी दौरान दो युवक भाग खड़े हुए और एक युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर थाना छतरीपुरा के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धारा के तहत मामला दर्ज कर हिंदू बनकर कार्ड बांट रहे मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल शहर के पश्चिम क्षेत्र के समाजवादी इंदिरानगर की बस्तियों में मुस्लिम समुदाय के युवक झाड़ फूक वाले किसी मियां सुलेमान शाह अजमेर वाले के कार्ड बांट रहे थे। पर्चों पर मनचाहा प्यार, वशीकरण, ग्रह कलेश जैसी बातें लिखकर उनके समाधान के लिए संपर्क करने की बात लिखी गई थी। इसके साथ ही मियां सुलेमान अजमेर वाले के कार्ड पर मोबाइल नंबर भी लिखा था, ताकि लोग मियां सुलेमान से संपर्क कर सकें। इधर इस बात की भनक बजरंग दल इंदौर विभाग के संयोजक तन्नू शर्मा को लगी तो उन्होंने बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख तेज सिंह राठौड़ सहित अन्य बजरंगियों को ये बात बताई, जिसके बाद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीन युवकों को पकड़ा, जिनमें से दो मुस्लिम लड़के भागने में सफल हो गए। इनमें से एक युवक को मौके पर पर्चे बांटते पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुर्द किया गया। हालांकि जब युवक से उसका नाम और पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गोलू पाटीदार बताया और जब बजरंगियों ने सख्ती की तो युवक ने अपना असली नाम अब्दुल नबी निवासी मूसा खेड़ी आज़ाद नगर बताया। वहीं पकड़े गए अब्दुल नबी ने बताया कि साजिद और सलीम निवासी आज़ाद नगर मूसा खेड़ी ने उसे यहां कार्ड हिंदू बहुल इलाकों में बांटने के लिए भेजा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे घटनाक्रम में वीडियो बनाकर युवक से पूछताछ की और उसे छतरीपुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इंदौर के समाजवाद इंदिरा नगर के हिंदू बहुल क्षेत्रों में तीन मुस्लिम युवक जो अपने नाम छुपाकर गोलू पाटीदार और ऐसे अन्य नाम बताकर हिंदू बहुलों बहुल क्षेत्रों में एक लव जिहाद जैसे हिंदू बहनों को पर्चे बांट रहे थे, जिसमें उन पर्चों में ये लिखा है कि आपका मनचाहा प्यार, आपको प्रेम विवाह और भी ऐसी कुछ मन भर में कुछ कलश ऐसा काम होता है तो आप हमारे बाबा सुलेमानी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताइए और आपकी समस्या का हल किया जाएगा। जिस पर हमने हमारे कुछ बजरंग दल के तेज सिंह जी राठौड़ और नमन जी चौहान, युवराज जी चौहान और ऐसे अन्य बजरंगी उस घटनास्थल पर उन्हें पहुँचाया तो उन्होंने वो देखा कि तीन मुस्लिम युवक जो अपना आपको हिंदू नाम बताकर उन परिवारों संपर्क करके इस प्रकार का जिहादी मानसिकता का लव जिहाद जैसा षड्यंत्र रख रहे थे, उन बहनों को बता रहे थे कि कैसे प्रेम विवाह किया जाता है, अपने मन चाहा प्रेम कैसा मिलता है तो आप इनको बाबा सुलेमानी को बताइए। बजरंगियों ने उनसे जब उनका असली नाम पूछा तो वो बड़गड़ाने लगे। उसमें से दो युवक भाग चुके थे। एक युवक से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद नबीद नामित मूसा खेड़ी आजाद नगर होना बताया। जब उनकी खातिर पानी कर सख्ती से पूछताछ की तो उनके दो लोगों का और नाम बताया, जिसमें सलीम और जावेद ऐसे कुछ और आरोपियों के नाम मालूम पड़े। यह लोगों की मानसिकता सिर्फ इतनी है कि हिंदू बहुल क्षेत्रों में जाना और हिंदू बहन बेटियों को पर्चे के माध्यम से बरगलाना, लव जिहाद के शिकार में फंसाना, इस प्रकार का इनका षड्यंत्र इन्होंने खुद कबूल करा है। छतरीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंगल ने बताया कि पकड़े गए युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। समाजवाद नगर में ऐसी सूचना मिली थी कि नीम हकीम जो रहते हैं उसी के द्वारा कुछ पैम्पलेट्स बंटवाए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जब हमारी टीम ने जाके देखा तो वो काफ़ी भीड़ होना चालू हो गई थी और ऐसा महसूस हुआ था कि इसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया तो कहीं आपस में विवाद हो जाएगा। उस आधार पर हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 में गिरफ्तार किया था और उसको जेल दाखिल किया। ये नदीम करके था, आज़ाद नगर तरफ का रहने वाला था और इसके द्वारा नीम हकीम टाइप के जो काम रहते हैं उस टाइप के प्रचार कर रहा था, उसी आधार पर हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। पैम्पलेट्स में मुख्य रूप से लिखा था अगर किसी को घर का कलेश है उसको दूर करना हो या कोई और किसी की समस्या है उसका निराकरण करना हो
तो वो उस टाइप के पैम्पलेट उसके पास थे, क्योंकि कोई ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इस कारण से उसके द्वारा जो आवैधानिक काम किया जा रहा था और लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उस आधार पर उसको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। बता दें कि इस तरह के पर्चे और कार्ड बांटकर सीधे साधे लोगों को प्यार, नौकरी, वशीकरण सहित अन्य समस्याओं के नाम पर ठगों द्वारा अपने जाल में उलझाकर फंसाया जाता है और मोटी रकम ठग ली जाती है। पकड़े गए युवक द्वारा हिंदू बहुल इलाकों में कार्ड बांटने की बात पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाइट पवन सिंगल, थाना प्रभारी, छत्रीपुरा।